गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर कंप्यूटर टीचर गीतू गुप्ता। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू समथिंग न्यू अबाउट द कंप्यूटर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2, यूजेस ऑफ कंप्यूटर ऑफ योर कंप्यूटर बुक। सो नाउ यू विल ओपन योर कंप्यूटर बुक्स चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 14। आफ्टर, ओके, चैप्टर का नाम क्या है? यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। सो फर्स्ट वी विल रीड द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन आर डेली लाइफ। हमारी रोज की जिंदगी में हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते। सी यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन आर डेली लाइफ। सबसे पहले, अ कंप्यूटर कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। कंप्यूटर क्या कर सकता है? ढेर सारे काम कर सकता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ वंडरफुल मशीन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वंडरफुल मशीन। बड़ी अद्भुत सी मशीन है, क्या कुछ कर देती है ना? सो पहला काम क्या करते हैं कंप्यूटर? हम कंप्यूटर को बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिसनिंग टू म्यूजिक। हम कंप्यूटर से गाने सुन सकते हैं, हेडफोन्स लगा के या हेडफोन्स बिना लगाए। सुने कभी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे गाने? फोन पे सुनते हो ना, फोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। तो फोन पे हम गाने सुन सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी सुन सकते हैं। ओके, सेकंड यूज क्या है? ड्राइंग एंड कलरिंग। जैसे आप अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग करते हो ना, पिक्चर्स बना के उसमें कलर्स करते हो, सेम वे हम लोग कंप्यूटर में ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं। ओके, थर्ड यूज इज प्लेइंग गेम्स। कभी गेम्स खेली है कंप्यूटर पे? फोन पे तो हमेशा ही खेलते हो, है ना? खेलते हो ना फोन पे गेम्स, वैसे ही कंप्यूटर पे भी खेल सकते हैं हम। कार रेसिंग, फी सेल, पता नहीं कितनी सारी गेम्स होती हैं, चेस, ये वो सब कुछ हम कंप्यूटर में खेल सकते हैं। नंबर 4 इज वॉचिंग कार्टून्स। जैसे टीवी पे कार्टून देखते हैं, वैसे ही फोन पे भी और कंप्यूटर पे भी कार्टून देख सकते हैं। यूट्यूब चला के देखते हो ना फोन पे, सेम वे कंप्यूटर पे। नंबर 5 इज टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पता है क्या होता है? एक बड़ा सा पेज होता है जिसपे हम लिखते हैं, तो जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। मम्मा पापा को देखा फोन पे मैसेज टाइप करते हैं ना, वैसे ही हम कंप्यूटर पे भी टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं। नेक्स्ट इज लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। कैसे? गूगल से। गूगल से कुछ ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकते हैं ना, हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो हम कहते हैं गूगल से ढूंढ लेते हैं। दैट इज फ्रॉम कंप्यूटर, इंटरनेट। तो प्लेसेस जहां जहां कंप्यूटर यूज होता है, सी कहां पे कंप्यूटर यूज होता है? आजकल की जिंदगी में कंप्यूटर हर जगह पे यूज होता है। कहां पे? सबसे पहले स्कूल में। स्कूल में आपने स्कूल में कंप्यूटर देखा कभी? केजी 2 में आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड था, या केजी 1 में जो स्मार्ट बोर्ड था ना, वो व्हाइट वाला बड़ा वाला, दैट वॉज द कंप्यूटर। उसके ऊपर एक बॉक्स लगा था जिससे वो चलता था, है ना? वो प्रोजेक्टर होता है, वो कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। ओके, तो स्कूल में टीचर पढ़ाने के लिए और बच्चे सीखने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, टू टीच एंड लर्न, और टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए स्कूल में कंप्यूटर यूज होता है। बच्चों का रिकॉर्ड कैसे? हरपाल सर को देखा स्कूल में, अपने रूम में बैठे हुए कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, वो आप लोगों का सारा रिकॉर्ड रखते हैं उसमें, किस बच्चे का क्या नाम है, वो कहाँ पे रहता है, वो क्या करता है, ये भी लिखते हैं पता वो उसमें। इसलिए बी डिसिप्लिन्ड। जब आप शरारते करते हो तो हरपाल सर वो भी लिखते हैं कंप्यूटर में कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ओके, सेकेंड इज ऑफिस। ऑफिस, मम्मा पापा के साथ कहीं पे कभी ऑफिस गए हो? ऑफिस में वहां पे कितने लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, देखिए, है ना? हाँ, वो क्या करते हैं वहां पे? टू राइट एंड स्टोर ऑफिशियल फाइल्स। जिन फाइल्स पे वो काम करते हैं, ऑफिशियल फाइल्स, वो फाइल्स का काम उन कंप्यूटर पे करते हैं और वो सारा काम उसमें सेव करते हैं कंप्यूटर में। टू प्रेजेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स, और जो रिपोर्ट्स होती हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जो काम उन्होंने करा उसको प्रेजेंट करना अपने बॉस को, अपने सर को, जो उनके सीनियर्स होते हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए वो सब कंप्यूटर पे काम करते हैं। प्रेजेंट करना मतलब, जैसे अभी अभी मैं आपको ये प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको चैप्टर समझा रही हूँ ना मैं,
ये प्रेजेंट कर रही हूं, तो मैंने ये कहां पे बनाया? कंप्यूटर पे बनाया. ओके, नेक्स्ट इज शॉप्स एंड मॉल्स. शॉप्स एंड मॉल्स, आप लोग दुकान पे जाते हो है ना सामान खरीदने, मॉल्स में घूमने जाते हो, तो जब आप सामान खरीद लेते हो उसके बाद बिल देना होता है आपने, तो जब आपने बिल देना होता है वहां पे वो कंप्यूटर पे बिल बना के देते हैं आपको. दैट इज टू टू मेक एंड प्रिंट बिल्स. तो कंप्यूटर में बिल बनाते हैं और प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं और आपको दे देते हैं. और साथ में टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स, उनके कंप्यूटर में जहां से वो बिल बनाते हैं जितनी भी चीजें उस दुकान में या मॉल में होती हैं उन सबका रिकॉर्ड होता है कि ये कौन सी चीज है, इसका नाम क्या है और इसका प्राइस कितना है, कितने की है ये. अंडरस्टैंड. यूज ऑफ कंप्यूटर इज एट होम, आपके घर पे. बहुत सारे बच्चों के घर पे कंप्यूटर होगा है ना, बहुत सारों के नहीं होगा, जिनके नहीं होगा उनके पास फोन भी है. तो कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए और मूवीज देखने के लिए घर पे यूज होता है, और साथ में अपना होमवर्क करने के लिए. आप लोग अब अपना होमवर्क फोन पे करते हो, कुछ बच्चे कंप्यूटर पे करते हैं. प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बड़े बच्चे अपने, वो भी कंप्यूटर पे बनाते हैं. तो ये हमारे होम, घर पे कंप्यूटर के यूजेस हैं. साथ में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या क्या यूज होते हैं कंप्यूटर में. कभी गए हो डॉक्टर के पास दवाई लेने? जाते हो, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ना कि टेस्ट करना पड़ेगा, तो ब्लड टेस्ट करते हैं ना वो, आपका सुई लगाते हैं, खून निकाल लेते हैं, फिर आप बोलते हैं आपको कि रिपोर्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगी या शाम को मिलेगी है ना. तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं? वो कंप्यूटर पे बनाते हैं, और वो टेस्ट भी पेशेंट्स का कंप्यूटर में करते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वी यूज कंप्यूटर. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, नाउ दिस इज वॉज योर चैप्टर. अब आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, बुक में से भी रीड करना है, वीडियो देखनी है, उसके बाद अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है. उसके बाद वर्कशीट, होमवर्क फॉर यू. होमवर्क में से ही है, आपने अपनी बुक पे करना है ये पेज. दिस इज द पेज नंबर 17 ऑफ योर बुक. टिक द करेक्ट आंसर्स. सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन रीड करना है. इन विच प्लेस कंप्यूटर्स आर यूज टू डू मेडिकल टेस्ट. इसमें थ्री ऑप्शंस दिए हैं आपको, ए बी सी. इनमें से जो ऑप्शन ठीक है उस पे आपने टिक लगाना है. ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन रीड करना है, उसका जो ऑप्शन ठीक है उस पे टिक लगाना है. ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन. फिर बी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपको हिंट्स दिए हैं, ये आंसर्स हैं, चारों उल्टे पुल्टे दिए हैं. आपने इसको रीडिंग करना है कि क्या है ये सेंटेंस, फिर उसके अंदर आंसर फिल करना है कौन से में कौन सा आना है. दिस इज सी पार्ट इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट रीड द सेंटेंस, अगर वो सही है तो आपने ट्रू लिखना है, अगर वो गलत है तो आपने फॉल्स लिखना है. आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ डू योर होमवर्क वेरी केयरफुली, वॉच वीडियो केयरफुली एंड रीड योर चैप्टर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, टिल देन बाय. टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज, जो भी रिटर्न वर्क होगा दैट वी विल डू टुमारो. ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर.